हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और पीछे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पहला क्लास हो चुका है, आज हम लोग का दूसरा क्लास होगा जिसमें हम लोग फोकस करते हुए चल रहे हैं SSC CGL CHSL और JSSC CGL को लेकर के। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। हम लोग का पहला क्लास हो चुका है ट्रिगोनोमेट्रिक का, ट्रिगोनोमेट्रिक। देखिए, ये सीरीज चलेगा हम लोग का, थोड़ा सा लंबा सीरीज होगा, पूरा एकदम बेसिक से लेकर के हम लोग एडवांस तक चलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो पढ़े थे वो चीज़ हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं, जैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़े थे और क्या पढ़ना रहता है ट्रिगोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ होता है, उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन सा एंगल होता है, किसके लिए होता है, वो सारा चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। आज का जो क्लास रहेगा हम लोग का, वो हम लोग एंगल को यूज करते हुए आगे हम लोग रेशियो में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक था हम लोग का, वो क्या था, तो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। पहला जो टॉपिक था हम लोग का वो था मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि कोण का माप। ये हम लोग का क्या था, पहला टॉपिक क्या था हम लोग का, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, जो कोण का माप था। अब फिर एंगल्स कर सकते हैं कोणों का माप। दूसरा जो हम लोग का है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। दूसरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहने का मतलब क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये हमारा क्या था, दूसरा टॉपिक था। चलिए, पहला टॉपिक हम लोग क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। यानी क्या समझ सकते हैं हम लोग, कोणों का माप, यानी कि कोणों का माप मतलब एंगल को माप, मेजरमेंट करके हम लोग देखेंगे कि एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो कितने तरह का होता है, उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है। फिर यदि हम लोग आगे भी टॉपिक इसका बढ़ना चाहेंगे तो अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो क्या होगा, तो वैल्यू, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू। जो भी हम लोग का एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू ऑफ एन एंगल। यहाँ देखिए, हम लोग एंगल का मेजरमेंट करेंगे और यहाँ हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू ऑफ एन एंगल, यानी कि त्रिकोणमितीय का जो मान होगा, एंगल का मान, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, वो अगला टॉपिक रहेगा हम लोग का कि सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल्स, यानी कि एंगल का जोड़ और घटाव। एंगल का क्या देखेंगे, जोड़ और घटाव, ठीक है, यानी कि सम और डिफरेंस, मतलब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे कि एंगल के बारे में, तो वो चीज हम लोग देखेंगे यहाँ। अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है एंगल का मल्टीपल एंड डिवीजन ऑफ एन एंगल्स
तो एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका डिवीजन करेंगे, इस चीज के बारे में हम लोग कह रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास कितना टॉपिक है, चार टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने के लिए। तो ये यदि हम लोग पांचों टॉपिक को अच्छे से एकदम बेसिक से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो छूट सकेगा, ठीक है, यानी कि हर सवाल बन जाएगा, है ना, कोई ऐसा सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। हम लोग बात किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ट्रायंगल के आधार पे है, और एक जो ट्रायंगल होता है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या है कि एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी जो होता है वो दोनों कोण, जो दो कोण बच जाता है वो दोनों मिला करके क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यदि इसका रेशियो के बारे में बात करेंगे तो रेशियो क्या है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग एंगल के बारे में यहाँ देखे थे कि एंगल हमारे पास एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा। जैसे हम मानते हैं यहाँ कि हमारा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं, थीटा को यदि हम लोग अल्फा मानते हैं, तो 90 माइनस थीटा को हम लोग ये बीटा मान लेते हैं, तो हमारे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। और ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज होने वाला है, क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि एक तो 90 डिग्री हम लोग का फिक्स है, 90 डिग्री एक फिक्स है, और अदर जो दो एंगल बच रहा है, दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 के बराबर होगा। तो हम लोग ये एंगल का काम जब भी करेंगे तो हम लोग इसको यूज करते हुए चलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 90 के बराबर होगा। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है एंगल का सम, लेकिन यहाँ 90 डिग्री दे रखा है, तो अदर जो दो एंगल का सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के आधार पे हम लोग, यहाँ एंगल है और यहाँ हम लोग का साइड है। ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में 3 एंगल होता है और 3 साइड होता है। तो साइड जो यहाँ है हम लोग का वो क्या है, रेशियो में है। एक पाइथागोरस के थ्योरम में है, मतलब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसका एक रिलेशन है, और उस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इसको मिला करके यूज करके करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस पर डायरेक्ट सवाल आता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें से डायरेक्ट सवाल आता है किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ठीक है। अब क्या है वैल्यू, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी आता है, लेकिन वैल्यू, इसके वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी से डिसाइड करते हैं कि वह रेडियन में है या फिर डिग्री में है, तो फिर उसको एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। यदि फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आएंगे सम और डिफरेंस में, मतलब सम और डिफरेंस से हम लोग मिला करके क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। किसको, तो एंगल को सम करेंगे, तो एंगल को यहाँ सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, यहाँ से क्या बन के आएगा निकल करके, यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ भी हम लोग का फॉर्मूला बनेगा, मल्टीपल और डिविजन ऑफ एन एंगल, मतलब कोणों का जो गुना होगा, भागा होगा, गुना कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वहां से हम लोग का क्या होगा, एक फॉर्मूला बन के आएगा। और वो जो फॉर्मूला लाएगा वो कौन लाएगा, तो कोसाइन लाएगा और साइन लाएगा, ठीक है। यानी कि साइन और कोसाइन दो एक ऐसा फंक्शन है जो छह फंक्शन को बनाता है, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिसमें हम लोग यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सारे ये छह फंक्शन हम लोग का है। वो छह फंक्शन जो है हम लोग का क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है।
ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है, तो यहाँ हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, एंगल होगा, ये हमारा फंक्शन का क्या है, एंगल है। इस एंगल में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे थीटा डाल सकते हैं, एक्स डाल सकते हैं, वाई डाल सकते हैं, वेरिएबल यानी कि थीटा का वेरिएबल डाल सकते हैं या थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ 6 फंक्शन है और 6 फंक्शन को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ से, यदि हम लोग को एंगल पता हो, यदि हम लोग का यहाँ एंगल पता हो, तो हमारा ये जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट मिलेगा वो रेशियो में मिलेगा। यदि हम लोग को यहाँ एंगल पता होगा, जैसे साइन 30 डिग्री की एग्जांपल लेते हैं कि साइन 30 डिग्री जिनको याद है वैल्यू, वो आप लोग बता सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 यानी ये क्या दे रहा है हमें, रेशियो में दे रहा है, क्या दे रहा है, रेशियो दे रहा है। जब हम लोग यहाँ एंगल को फिक्स कर रहे हैं, एंगल को फिक्स कर रहे हैं कि ये 30 डिग्री है, तो हमें क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है, जो रेशियो किसमें है, 1/2 में है, ठीक है। तो यहाँ से पता क्या पता चलता है कि यदि हम लोग साइन की वैल्यू या कॉस का वैल्यू, किस कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ थीटा डालते हैं या फिर थीटा का मान डालते हैं वैल्यू, तो हमें एक रेशियो मिलता है और वही रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की ओर चलते हैं और इससे देखते हैं कि कितने प्रकार का सवाल बन सकता है। जो भी सवाल लेंगे हम लोग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, ताकि हम लोग आइडिया मिल सके कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग कहीं भी पढ़िए, किन्हीं से भी पढ़िए, जब तक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब तक समझिए कि हम सही डायरेक्शन में नहीं हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले पढ़ने का सही जो अप्रोच होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक टॉपिक पढ़े आज और उस टॉपिक से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। यदि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहा है तो समझिए कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यदि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहा है तो समझिए कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना डीपली पढ़िएगा उतना नॉलेज मिलेगा। लेकिन एक होता है कि सही अप्रोच, जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम के अनुसार यदि चलना चाहते हैं आप, तो एक टॉपिक जैसे आज टॉपिक पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल आप हल कीजिए कहाँ से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या हम जो सीखे वो सही में सीखे हैं या फिर नहीं सीखे हैं, या फिर हमें गलत सिखाया गया है, तो इस चीज़ का आइडिया लगेगा और ये अनुभव और आइडिया से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आया है वो कैसे आया है। तो मान लेते हैं हम लोग के पास एक सर्कल है और सारा फार्मूला यहीं से निकालेंगे, जितना भी सारा हम लोग को फार्मूला चाहिए हम लोग एक सर्कल से निकालेंगे सारा फार्मूला। मान लेते हैं हम लोग कि एक्स वाई यहाँ है, ये हम लोग का रेडियस है, ये आर है, तो ये भी आर होगा हम लोग का, और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री बनता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। और इसका यदि हम लोग नाम देते हैं तो यहाँ हम नाम देते हैं पी और ये नाम देते हैं एन। अब हमारे पास एक ट्रायंगल निकल करके आया है, वो कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, और यही समकोण त्रिभुज को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि हम लोग का रेशियो कैसे निकलेगा। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई एक वस्तु है, और ये वस्तु जो है वो हमेशा ये किसमें है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। जैसे मान के चलिए हम लोग एक डस्टर को लेते हैं, डस्टर से हम लोग कल भी समझाए थे कि मान लीजिए हमारे पास एक डस्टर है और इस डस्टर को हम लोग इसको पुल करेंगे, है ना, या तो पुश करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग मान लीजिए पुल कर रहे हैं, तो ऐसे रखा हुआ ये डस्टर, तो हम लोग यहाँ से पकड़ के ऐसे पुल नहीं करेंगे, हम लोग पुल करेंगे तो कैसे, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। और यदि हम लोग ऐसे उठाना चाहेंगे तो ये चलेगा नहीं, केवल डायरेक्ट उठ जाएगा,
और जब हम लोग यहाँ से दस्ताना चाहते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए आसान तरीका क्या है कि इसको हम लोग यहाँ से ऐसे पकड़े और ऐसे खींच दिए, ठीक है। कहने का मतलब है क्या है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्शन कैसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे पुल कर रहे हैं। ऐसे पुल करने का मतलब क्या है कि ये इजिली क्या हो जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह चला जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जब ये इस डायरेक्शन में है, और पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहता है, या फिर हॉरिजॉन्टल रहता है, या फिर इसको हम लोग वर्टिकल रख सकते हैं, वर्टिकल रख सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। यदि हम लोग इसको ऐसे रखने की कोशिश करेंगे तो यह नहीं रहेगा, इसमें हम लोग को सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट कैसा रहेगा, या तो हम लोग परपेंडिकुलर सपोर्ट दें, या फिर हम लोग हाइट से इसको ये बेस से इसको सपोर्ट दें, ठीक है। तो ये चीज़ होगा कि हम लोग सपोर्ट देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल में और एक होगा वर्टिकल में। कहने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस की तरफ होगा और ये वाई एक्सिस की तरफ होगा। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल वर्टिकल बोलते हैं। यही जो यहाँ से जो बना एंगल, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो यहाँ क्या बनेगा हम लोग का, थीटा। और ये थीटा एंटी क्लॉक वाइज जाएगा तो थीटा होगा, पॉजिटिव आएगा एंगल। और यदि हम लोग इसको हम लोग नेगेटिव की ओर ले आते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव थीटा बनेगा। क्या बनेगा, ये नेगेटिव थीटा बनेगा, मतलब माइनस में थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि ये रिजल्ट जो दे रहा है वो माइनस की ओर जा रहा है, किसमें जा रहा है, माइनस वाई की तरफ जा रहा है। जब माइनस वाई की तरफ जाएगा तो माइनस एंगल मिलेगा हम लोग को, और प्लस वाई की तरफ जाएगा तो प्लस थीटा मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि एंगल को एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तब पॉजिटिव एंगल देगा, और यदि क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो नेगेटिव एंगल देगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे भी पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कब होगा, जब एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा यानी कि घूमेगा तो, और नेगेटिव एंगल कब होगा, जब क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी के दिशा में घूमेगी तो। तो यहाँ से हम लोग बात किए कि थीटा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर गए हैं। अब ये बात करता है कि ये हमारा आर है, मान लेते हैं कि आर है, और इस आर को हम लोग एच मान लेते हैं, इस आर को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो ये दो डायरेक्शन में जो टूटा हुआ है, ये एक प्रकार का वेक्टर है, और ये दो डायरेक्शन में टूटेगा, एक नीचे हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, या तो इसको ऊपर उठना पड़ेगा या फिर नीचे लाना पड़ेगा या सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट यहाँ दो चीज से होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल से और एक होगा वर्टिकल से। जब हॉरिजॉन्टल से सपोर्ट होगा तो इसमें आता है, और अभी फंक्शन के बारे में बात किए थे तो वही फंक्शन हम लोग का रहेगा। क्या रहेगा फंक्शन, साइन फंक्शन रहेगा और कोसाइन रहेगा, साइन फंक्शन रहेगा और कोसाइन रहेगा, यही दोनों फंक्शन मिल करके इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो सपोर्ट करेगा साइन और कोसाइन। साइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन, और कोसाइन को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं कॉस, ठीक है। साइन को, साइन फंक्शन को शॉर्ट में हम लोग साइन लिखते हैं, कोसाइन को हम लोग कॉस लिखते हैं, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ ये बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल में आएगा कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस फंक्शन यानी कोसाइन फंक्शन, और यहाँ क्या है, थीटा है, तो थीटा आएगा। किसको तोड़ रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, तो एच को, यानी कि तो एच साइन थीटा हो, एच कॉस थीटा होगा। तो ये हमारा क्या मिल गया, नीचे वाला पार्ट मिल गया एच कॉस थीटा, और ये टूटेगा किसमें, तो एच साइन थीटा में, एच साइन थीटा में। तो यहाँ से हम लोग बात किए कि हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल बेस था, हॉरिजॉन्टल था, वो हम लोग एक, हम लोग के पास क्या है, एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल में ये हमारा पी है, मतलब परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आएगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एच साइन थीटा आएगा, और बेस का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एच कॉस थीटा आएगा। लेकिन देखिए, एक बेसिक से लेकर के हम लोग चल रहे हैं, आप लोग को इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, एक बार आप लोग समझ लीजिए कि एच और पी और बी कैसे आया, ठीक है, उसका पोजिशन कैसे आया, ये चीज़ केवल समझना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया,
बी बराबर हमारा क्या है cos थीटा, एच cos थीटा, और पी बराबर क्या है एच sin थीटा। तो यदि हम लोग यहाँ से देखें कि हम लोग का ये फार्मूला कैसे आएगा, मतलब जो sin और cosine है वो एंगल से रेशियो में कैसे बदलता है, तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि हमारे पास पी बराबर क्या है, पी बराबर हमारे पास है एच sin थीटा, पी बराबर क्या है हमारे पास एच sin थीटा। यदि हम लोग यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, यदि sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो p बटा एच आएगा, और p बटा एच क्या है हम लोग का sin थीटा है, p बटा एच क्या है हम लोग का sin थीटा है। एक एक फार्मूला हम लोग का यहाँ से निकल करके आया। दूसरा फार्मूला यदि हम लोग देखेंगे तो हमारे पास b का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू एच cos थीटा दिया हुआ है। और यहाँ से यदि हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा क्या b by h हमारा cos थीटा आ गया, और p by h हमारा sin थीटा आ गया। ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला आ गया, फर्स्ट फार्मूला मतलब रेशियो। हमारे पास दो रेशियो आया हुआ है, एक है sin में और एक है cosine में। sin में जो हमारा रेशियो है वो क्या है p by h, यानी कि परपेंडिकुलर बटा है कोटेनियस है, और cos थीटा में यानी cosine में जो आया है वो क्या आया है b बटा h आया है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया sin और cosine का, मतलब जैसे हम लोग sin लिख रहे हैं तो sin थीटा जो लिख रहे हैं ये हम लोग का है sin of an angle थीटा। इस तरह से हम लोग बात करेंगे इसका। इसका जो फुल फॉर्म आएगा वो क्या आएगा sin of, यानी कि साइन हमारा एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है तो एक एंगल का फंक्शन है, जो एंगल हम लोग क्या लिए हैं थीटा लिए हैं। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं साइन थीटा को, साइन ऑफ एन एंगल थीटा, मतलब थीटा एक एंगल है जो साइन फंक्शन में है, इसको हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। वैसे ही cos थीटा के लिए हो जाएगा, वैसे ही tan थीटा के लिए हो जाएगा, tan थीटा के लिए हो जाएगा tangent। तो उतना हम लोग डिग्री जाना नहीं है, ऐसा होता है तो CDS या UPSC जो एग्ज़ाम लेती है NDA और CDS उसमें सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को इतना जो पढ़े इतना केवल हम लोग के लिए समझने के लायक था कि कैसे आया, और बाकी ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी है। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हम लोग निकाल करके लाए हैं। क्या लाए हैं, p बटा h होता है sin थीटा, और b बटा h होता है क्या cos थीटा। यही दोनों रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, और यही रिजल्ट से हम लोग सारे फंक्शन को निकालते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं और इसके रिजल्ट को हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या और रिजल्ट आने वाला है। ये चीज़ था केवल समझना कि कैसे आता है साइन थीटा का रेशियो कॉस थीटा का रेशियो कैसे आया। तो हमारे लाइफ में ये हमेशा यूज होते रहता है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं आसपास के वो सारे चीज़ों में डिफाइन होता है, एंगल हो साइड हो उसका सारा। और पहले क्लास में बात किए थे कि हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो हर जगह यूज होने वाला चीज़ है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा बिना ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होगा। जिसको हम लोग आर्किटेक्टर बोलते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक में PhD किया हुआ रहता है, उसको आइडिया लगा रहा है कि कितना हाइट बिल्डिंग बनाना है, कितना उसका बेस देना है, या कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके किया जाता है, उसका एंगल और रेशियो। तो हम लोग सिंपल से समझेंगे, यहाँ हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग के पास क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और दूसरा कोण को यदि हम लोग थीटा मानते हैं तो ये हमारा जो क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और यदि तीनों एंगल को हम लोग सम करते हैं तो 180 के बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या देखना चाहेंगे कि ये जो लंब है, यानी कि इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि दोनों सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो सबसे बड़ी भुजा ये है। यदि इसका नाम दे देते हैं
तो हमारे पास नाम हो जाएगा ए बी सी। हमारे पास नाम क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज का जो ए बी भुजा है वो बेस है, बी सी भुजा है वो परपेंडिकुलर है, और ए सी जो भुजा है वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है, ए सी है, सबसे बड़ी भुजा ए सी है। यदि हम लोग देखते हैं या फिर ऐसे देखते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोग का दिख रहा है ए सी। तो ये पाइथागोरस कहने का मतलब क्या है, पाइथागोरस जो थ्योरम कहता है वो कहता है कि ए सी का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा वो अन्य दो भुजाओं के सम के बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब बड़ी भुजा को स्क्वायर करेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा, दोनों भुजा यानी कि दोनों भुजा जो बचा हुआ है छोटी भुजा उसको स्क्वायर करके सम करेंगे तब इसके बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एच बर ए सी बराबर क्या है, एच है, तो एच का स्क्वायर होगा बराबर, ए बी बराबर क्या है, बी, और बी सी बराबर क्या है, बी। तो ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस में। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो होगी केवल साइड का, केवल साइड का रिलेशन हो गया। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीन साइड है, तीन भुजा है, और उसका ये रिलेशन है क्या, पाइथागोरस। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, फंक्शन। तो फंक्शन में क्या क्या चीज आएगा, साइन फंक्शन आएगा, कोसाइन आएगा, टेंजेंट आएगा, है ना, कॉट आएगा, सेक और कोसेक आएगा। ये हमारे पास छह फंक्शन है, और छो फंक्शन का हम लोग रेशियो निकालने वाले हैं। छो फंक्शन का क्या निकालने वाले हैं, रेशियो निकालने वाले हैं। तो यहाँ से यदि हम लोग रेशियो निकालते हैं, जैसे पाइथागोरस के बारे में बात करेंगे, अभी आएंगे हम लोग ट्रिपलेट्स में, तो उसमें बात करेंगे, बहुत काम का चीज है। तो आप लोग ये रिजल्ट याद रखिए कि साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा कौन ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं, क्योंकि ये बेस के साथ बना रहा है, ये हमारा जमीन है, ये क्या है, हम लोग का रोड है, और रोड कहाँ है, नीचे है, बेस है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच होगा। यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बट्टा एच होगा। ये हम लोग अभी निकाल के देखे थे। ठीक है, कि पी बट्टा एच कैसे आता है वो हम लोग अभी प्रूव कर चुके हैं। अब अगला क्या है, कॉस थीटा, अगला क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग बी बाय एच रखे थे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, बी बाय एच। अपना अपना याद करने का तरीका होता है, ट्रिक होता है, लेकिन हम लोग बिना ट्रिक का एक बार समझ लेंगे तो याद हो जाएगा। जो बेस बनाएगा कॉस थीटा, जो परपेंडिकुलर रहेगा वो साइन थीटा। तो केवल दो ही रिजल्ट याद रखना हम लोग को, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बेस बना रहा है तो बी बट्टा एच होगा, एच को तोड़ रहे हैं इसलिए वो एच नीचे आ रहा है। एक्चुअली में ये क्या है, इस एच को तोड़ रहे हैं दो पार्ट में, एक पी में और एक बी में। तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक सर्कल को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। तो दो पार्ट में तोड़ रहे हैं तो हम लोग का पूरा क्या था, पूरा एक सर्कल था और एक हाफ में, तो दो पार्ट में हम लोग तोड़े, एक पार्ट में ये, एक पार्ट में ये, तो एक बट्टा दो लिखते हैं, एक बट्टा क्या लिखते हैं, इसका दो लिखते हैं, यदि इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो वैसे ही है, एच को तोड़े हैं दो पार्ट में, एक पी में तोड़े हैं और एक बी में तोड़े हैं। तो साइन थीटा के लिए पी बट्टा एच होगा और कॉस थीटा के लिए बी बट्टा एच होगा। ठीक है, पी बट्टा एच और बी बट्टा एच होगा। अब यही दोनों रिजल्ट याद रखेंगे, जब हम लोग को टेंजेंट निकालना हो, टेन थीटा निकालना हो, टेन थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को। तो जब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एच एच कट जाएगा, यहाँ से पी आएगा और यहाँ से क्या आएगा, बी आएगा। ये भी बहुत काम का रिजल्ट है, ये बहुत ही काम आने वाला है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हैं, यदि टेन थीटा बराबर हमें दिया हुआ हो पी बट्टा बी, तो हम लोग पी को हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे और बी को हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो हमारे पास यहाँ कितना रेशियो हो गया, तीन रेशियो हो गया, तीन फार्मूला है। हमारे पास छह फंक्शन है, हमारे पास कितना है, छह फंक्शन है, लेकिन हम लोग तीन को लेकर के चले हैं और हमेशा तीन में ही फार्मूला हम लोग देखेंगे। बाकी का जो फार्मूला होगा, बाकी तीन का फार्मूला हम लोग किसी को पलटने से आएगा। जैसे में साइन को पलटेंगे, साइन को पलटेंगे तो हमें कोसेक मिलेगा, कॉस को पलटेंगे तो हमें सेक मिलेगा, और टेन को पलटेंगे तो हमें कॉट मिलेगा। ये रिलेशन याद रखना है। तो यहाँ से यदि बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हम लोग का, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो वन होता है, वन के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी कि साइन को और कॉस को फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, वन के बराबर आता है। तो यहाँ से हम चाहेंगे तो साइन का या कोसेक का निकाल सकते हैं। यदि हम कोसेक का निकालेंगे, यदि हम कोसेक थीटा को वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा होगा, क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा होगा। और यदि साइन का निकालना चाहेंगे, साइन का, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन कोसेक होगा। ठीक है, चलिए ये पहला फॉर्मूला निकल गया। कॉस का रिलेशन किसके साथ बता रहे हैं, सेक के पास बता रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या आएगा, रिजल्ट वन आएगा। और यहाँ से यदि हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, क्या आएगा, वन अपॉन कॉस थीटा। ये हम लोग दूसरा रिलेशन निकाल लिए, ये हम लोग क्या किए, दूसरा रिलेशन निकाल लिए। अब थर्ड रिलेशन क्या है हम लोग का, टेन और कॉट के पास है। टेन और कॉट से रिलेशन यदि हम लोग निकालते हैं तो वही प्रॉपर्टीज इसमें भी होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। और ये बहुत काम का चीज़ है, हर जगह यूज होने वाला है ये फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा वन के बराबर होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन के बराबर होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन के बराबर होता है। यहाँ से यदि हम कॉट का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमें, वन अपॉन टेन थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा, वन अपॉन टेन थीटा मिलेगा। ये हम लोग तीन फार्मूला याद रख लेंगे। तीनों कौन कौन सा फार्मूला है, पहला फार्मूला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ यदि छः बचा हुआ फंक्शन, चौथा फंक्शन हम लोग निकालना चाहेंगे, चौथा हम लोग का क्या है, कॉट थीटा का मान निकालना चाहेंगे, तो हमें कॉट थीटा का मान क्या है, वन अपॉन टेन थीटा है। वन अपॉन टेन थीटा कहने का मतलब क्या है कि टेन को हम लोग इन्वर्स कर दिए हैं, इन्वर्स करने का मतलब है कि पलट दिए हैं। अब यदि हम लोग वैल्यू टेन को पलटेंगे, टेन का वैल्यू हमारे पास क्या है, पी बट्टा बी है, और इसको हम लोग पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कॉट थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बट्टा पी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, पांचवा है, पांचवा फंक्शन हम लोग का क्या है, सेक थीटा है। और सेक थीटा को हम लोग यदि यहाँ देखते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या आएगा, सेक थीटा को हम लोग देख रहे हैं तो कॉस को पलट रहे हैं, जब फंक्शन को पलट रहे हैं तो उसके वैल्यू में भी क्या होगा, पलट जाएगा, उसका वैल्यू भी पलट जाएगा। तो यहाँ से कॉस के वैल्यू को यदि हम लोग पलटते हैं तो एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, यानी एच बट्टा क्या होगा, बी होगा, एच बट्टा क्या होगा, बी होगा। अब एक लास्ट बचा हुआ है हम लोग के पास, क्या, छठा, जो हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा में क्या है कि कोसेक थीटा किसका है, कोसेक थीटा में हम लोग क्या किए हैं, साइन के फंक्शन को पलट दिए हैं, और जब साइन के फंक्शन को पलट दिए हैं तो इसके वैल्यू भी क्या होगा, पलट जाएगा, यानी कि एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा एच बट्टा पी हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एच बट्टा पी। तो हमारे पास यहाँ छह फंक्शन आ गया, और छह फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी, सेक थीटा बराबर होता है बी एच बट्टा बी, और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बट्टा पी। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बट्टा पी। ये छह फंक्शन एकदम पूरा से रट जाना है हम लोग, जैसे जैसे यहाँ एंगल डाले थीटा में
वो हमें रेशियो में दे दिया, तो वही हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग केवल तीन याद रखेंगे, केवल तीन याद रखेंगे, कौन किसका, तो साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का, यही तीनों रेशियो याद रखेंगे और बाकी रेशियो ऐसे ही निकालेंगे किसे पलट के, यानी कि इन्वर्स करके। यदि हम लोग साइन को इन्वर्स करते हैं तो कॉस का वैल्यू मिलेगा, कॉस को इन्वर्स करते हैं तो सेक का वैल्यू मिलेगा, टेन को इन्वर्स करते हैं तो हमें कॉट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, हर केस में साइन कॉस और टेन का ही याद रखेंगे, बाकी का याद नहीं रखेंगे। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं कि इस पे हम लोग का सवाल कैसा बनेगा, और हम लोग जो भी सवाल लेंगे वो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको रट लीजिए या समझ लीजिए, लेकिन पूरा एकदम याद होना चाहिए। आप जैसे याद करना चाहें इसको याद कर सकते हैं आप। चलिए हम लोग सवाल लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल लेते हैं पहले, if sec a is equal to 5 by 3 then what is the value of cot a, cot a का वैल्यू क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। चलो ये हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, यदि हम लोग हिंदी में भी लिखे तो यदि यदि sec a बराबर 5/3 दे रखा है हो तो cot a का मान क्या होगा, cot a का मान क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 3/4, दूसरा है 4/3, 4/5 और 3/5। चलिए ये हम लोग के पास सवाल है, एक कैसे क्वेश्चन है, सिंपल सा एक सवाल, आसान सवाल लिए हैं। क्या है सवाल, कि if sec a बराबर है 5/3 then what is the value of cot a, sec a का वैल्यू दे रखा है और हमें cot a का वैल्यू पूछ रहा है, और ये पूछा गया है CHSL में, ये जो सवाल पूछा गया है वो CHSL का है, CHSL 19/10/2020 ये सवाल पूछा गया है किसमें, CHSL में। ठीक है, CHSL का सवाल है, 2020 का है, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या बात करेंगे, हमें रेशियो पता है किसका, हमें सेक का पता नहीं है, ना ही हमें कोट का पता है, ना तो सेक का रेशियो पता है ना ही कोट का रेशियो पता है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन कॉस और टेन का रेशियो पता है। तो जब साइन और टेन का रेशियो पता है, एक तरीका है, सबसे पहला जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका है ना, बेसिक जो मेथड है हम लोग के पास, बेसिक मेथड, वो बेसिक मेथड क्या है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी और ये सी, और ये हमारा ए के पास थीटा होगा, क्योंकि हमारा ये ही क्या है, थीटा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ये चीज। अब बोल रहा है कि यहाँ क्या है कि सेक थीटा,
तो हमें सेक थीटा का मान नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू होता है क्या, बी बट्टा एच होता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी बट्टा एच होता है। अब जैसे हम लोग कॉस को जैसे ही पलटेंगे तो ये सेक का वैल्यू देगा, और सेक का वैल्यू क्या दे देगा, एच बट्टा बी देगा, एच बट्टा बी देगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पाँच दिया हुआ है ये हमारा क्या है, एच है, और ये तीन जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, बी है। तो हमारे पास एच पता है, एच कितना है, पाँच है, और बी का कितना है, तीन है। तो हम लोग को क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो एक तरीका है आपके पास क्या, पैथागोरस, जो एकदम बेसिक तरीका है, जिनको कुछ नहीं आता है वो बेसिक पहले अपनाएंगे। इसके बाद एक ट्रिक है जो ट्रिपलेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, और यदि ट्रिपलेट्स याद है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर ऑप्शन देख करके आंसर टिक कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या बात किए हैं, एकदम आराम से चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो छूटे ना, क्योंकि जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, और ट्रिक रट भी लेंगे तो अगले क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग का क्या है कि हम लोग क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे, और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग के पास क्या है, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का एच स्क्वायर यानी कि पाँच का स्क्वायर 25 होगा, बी का स्क्वायर है तीन का स्क्वायर 9 होगा, और ये रूट चढ़ जाएगा यदि हम लोग पी चाहेंगे। पी का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 16 आएगा, और 16 का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे, ये दोनों प्लस माइनस में आता है लेकिन हम लोग प्लस में लेंगे। तो हमारा पी का मान जो होगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यदि हमें तीनों रेशियो पता हो, पी का वैल्यू, एच का वैल्यू और बी का वैल्यू, तो हम लोग कोई भी फंक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ ये कॉट पूछा है, यहाँ ये हमसे कॉट पूछा है, लेकिन टेन पूछे, कोसेक पूछे, साइन पूछे, कॉस पूछे, कुछ भी पूछे, छह फंक्शन में कोई भी सवाल पूछे वो हम लोग निकाल सकते हैं। बस हम लोग को तीनों पता होना चाहिए कि बेस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तीनों पता होना चाहिए। चलिए तीनों पता चल गया कि हमारे पास पी और बी और एच क्या है, तो अब किसी का भी पूछे, जैसे कॉस का हम लोग का तो यह पता चल गया, अब सेक का पता चल गया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, कॉट का पूछ रहा है। तो कॉट का मान क्या होता है, कॉट का कॉट थीटा का मान, यानी कि कॉट ए यूज किया है, तो कॉट ए का मान क्या होगा, बी बट्टा पी होगा, क्योंकि टेन का होता है पी बट्टा बी, तो इसका हो जाएगा बी बट्टा पी हो जाएगा। अब हमारे पास बी जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, और पी जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। तो हमारे पास जो आंसर निकल करके आता है वो 3/4 क्या है, पहला ऑप्शन। तो ये हो गया एकदम पूरा बेसिक तरीका, जो बेसिक कैलकुलेशन करके हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, एक बार समझना था कि कैसे आया। अब इस प्रोसेस को हम लोग नहीं अपनाएंगे, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग नहीं अपनाएंगे, ये गलत प्रोसेस होगा, क्योंकि हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम लोग पैथागोरस को यूज़ करते हुए हम लोग निकाले। जितना इस सवाल में, इतने आसान सवाल में हम लोग टाइम को बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, दो चार क्वेश्चन को पढ़ भी लेंगे और उसको हल भी कर लेंगे। तो चलिए, तो इसका सही अप्रोच क्या होगा, ये हम लोग का गलत अप्रोच है, ये हम लोग बेसिक मेथड से हम लोग इसको नहीं बनाएंगे, ये केवल समझने वाला था। ठीक है, अब हम लोग एक जो तरीका पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग का क्या है, ट्रिपलेट्स। और यदि आप लोग को ट्रिपलेट्स पता चल गया तो फिर आप इस सवाल को बिना पेन उठाए कर सकते हैं, मतलब केवल देख के इसका आंसर बता सकते हैं। तो हम लोग यहाँ बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे। क्या तरीका है ट्रिपलेट्स का, ट्रिपलेट्स का तरीका क्या है हम लोग का, कि हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमारे पास पी बी एच होता है, पी बी और एच होता है, और ये हमें तीनों पता करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ट्रिपलेट्स जो होता है, वो ट्रिपलेट्स क्या होता है कि सबसे जो बेसिक ट्रिपलेट्स है जो बहुत यूज होने वाला है
होता है, तीन चार और पाँच होता है, तीन चार और पाँच होता है, ये हमारा बेसिक ट्रिपलेट्स है। यदि हम लोग इसको डबल करते हैं, यदि इसको डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तीन दुना छः हो जाएगा और चार दुना आठ हो जाएगा और पाँच दुना दस हो जाएगा, ये हो गया। यदि इसको हम लोग डबल किए तो हमारे पास क्या आ गया, छः आ गया, आठ आ गया और दस आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपलेट्स बन गया। तो ये हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट्स है, ये हमारा क्या हो गया, इवेंट ट्रिपलेट्स हो गया। और भी हम लोग ट्रिपलेट्स के एक क्लास ट्रिपलेट्स में रखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास पी बी एच पता चल गया, यानी कि बी हमारा तीन था, बी हमारा तीन था, पी हमारा चार है और एच हमारा पाँच है। तो इस सवाल को हम लोग थ्री फोर फाइव थ्री है, फोर आएगा और फाइव है। तो हमें पता चल गया कि यदि थ्री और फाइव दे रखा है तो इसका ट्रिपलेट्स में फोर आएगा, यानी कि फोर आंसर होगा। तो यहाँ हो रहा है हमें कॉट ए, कॉट ए के नीचे क्या होता है, पी होता है, कॉट ए के नीचे क्या होता है, पी होता है, या फिर कॉट ए के ऊपर क्या होता है, कॉट के ऊपर क्या होता है, जैसे कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा पी होता है, बी बट्टा पी होता है। तो हमें पी पता नहीं है, लेकिन हम लोग ट्रिपलेट से बी को पता कर लिए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तीन चार पाँच है हम लोग का ट्रिपलेट से, और हमें नीचे पी हो, नीचे पी है, तो पी हमारा क्या होगा, चार होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में चार है, तो एक ही ऑप्शन में क्या है, नीचे है चार, तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग सवाल को हल करेंगे, इसको समझने के लिए इतना प्रोसेस लगा, इतना टाइम लगा, लेकिन जब एक बार अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत ही आसान होगा सॉल्व करने के लिए। जैसे क्या बोले, सेकिए बराबर दे दिया हुआ था पाँच बट्टा तीन, तुरंत दिमाग में ट्रिपलेट्स आ गया कि तीन चार पाँच होता है एक ट्रिपलेट्स है। तो जब तीन चार पाँच ट्रिपलेट्स होता है, तीन को बता रहा है यहाँ, बी बता रहा है, तो चार क्या होगा, यहाँ पी होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। और हम जानते हैं कॉट में परपेंडिकुलर नीचे होता है, तो देखेंगे कि परपेंडिकुलर कहाँ है, चार है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट हम लोग सवाल को कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सवाल आएगा। एक सवाल को अच्छे से आप समझ जाइएगा तो फिर अगला सवाल आपसे बन जाएगा। और ये 2020 का सवाल था, लेकिन आप लोग को ट्रिपलेट्स आना चाहिए, ट्रिपलेट्स से क्या होगा, हम लोग ट्रिक निकालते हैं। चलिए ये भी सवाल सीएचएस ने पूछा है कि इफ कॉसेक ए इज इक्वल टू 25/7 then what is the value of, what is the value of tan a, tan a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 7/4, 25/24, 7/25 और 24/25। चलिए देखिए, हम इस सवाल को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तुरंत सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है सवाल को। चलिए देखिए, कॉसेक हमसे टेन पूछा गया है, टेन ये पूछा गया है, हमें ट्रिपलेट्स नहीं याद है, मान लेते हैं कि ट्रिपलेट्स याद नहीं है, लेकिन यहाँ हम रेशियो याद करना पड़ेगा। हाँ एक चीज है कि रेशियो पूरा दिमाग में बैठा बैठ जाना चाहिए। यहाँ हमारे पास क्या है, कॉसेक, कॉसेक क्या है, 25/7 है, तो साइन को याद रखना पड़ेगा कि ये साइन का उल्टा है, तो साइन क्या होगा, 7/25 होगा, और साइन क्या होता है, पी बट्टा एच होता है, तो ये क्या होगा, एच बट्टा पी होगा। यानी पता चल गया कि ये हमारा क्या है, एच है, और ये हमारा क्या है, पी है। हमें बी ढूंढने का जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन में दे रखा है अभी। अब देख रहे हैं कि यहाँ अलग क्या है, 25 और 7 तो सब में है, लेकिन अलग क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, अलग 24 दिख रहा है अलग, यानी हमारा बी वही होगा। पी हमारा यदि 7 है तो बी हमारा क्या होगा, 24 होगा।
ट्रिपलेट्स भी याद रखने का जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यदि हमें पी बी पता नहीं है तो बी हमें दे रखा है कितना 24 है। अब बोल रहा है क्या टेन ए, तो टेन ए क्या होता है पी बट्टा बी होता है, तो पी बट्टा बी होता है पी तो क्या है 7 है, तो 7 ऊपर में, 7 ऊपर में दो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया, तो कम बचा ए और सी बचा है। अब ए और सी बचा है तो दोनों ऊपर में 7 है, लेकिन पी बट्टा बी बोला है तो बी हम लोग में क्या आ जाएगा 24, क्योंकि 25 हम लोग का क्या है एच है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना ही हम लोग ट्रिपलेट्स याद रखे थे और ना ही हम लोग को कुछ सॉल्व करने की जरूरत पड़ा, डायरेक्ट हम लोग केवल ऑप्शन से देख करके हम लोग ट्रिपलेट्स को पता कर लिए कि इसका क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग ऐसा दिया रहेगा कोसेक ए बराबर, तो तुरंत हम लोग का रेशियो पता होना चाहिए और उस रेशियो के हेल्प से हम लोग ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अच्छा यहाँ टेन ठीक टेन ये पूछा है, ऐसा नहीं है, यहाँ हमसे सवाल क्या पूछ सकता है, साइन ये पूछ सकता है, कॉस ये पूछ सकता है, कॉट ये पूछ सकता था, सेक तो दिया हुआ सेक ये पूछ सकता है ना, दो वैल्यू टेन तो पूछा ही है टेन ये, तो ये सारा सवाल हमसे पूछा जा सकता था, सारा रेशियो पूछा जा सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही डील करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं हम लोग, इस रेशियो पे बहुत सारे ऐसे सवाल बनेंगे और भी है, अभी हम लोग छोटा छोटा सा ले रहे हैं ताकि आप लोग का समझ डेवलप हो जाए, इसके बाद हम लोग फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जिसमें एंगल वाई जो है वो 90 डिग्री है, जिसमें वाई जो है वो क्या है 90 डिग्री है। इफ कॉस एक्स बराबर 3/5, कॉस एक्स बराबर क्या है 3/5 है, तो देन कॉसेक जेड बराबर क्या होगा, कॉसेक जेड बराबर क्या होगा, यानी कॉसेक जेड का मान क्या होगा। चलिए ऑप्शन हम लोग लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 3/4, 5/3, 4/5 और 4/3, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और हमारा सवाल क्या है कि कोई एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें कॉस एक्स का मान दे रखा है और कोसेक जेड का मान पूछा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए, हमें एक्स का मान दे रखा है एक्स एंगल का, लेकिन हमें पूछा है जेड का, हमें पूछा है क्या जेड का पूछा है। यदि यहाँ एक्स का पूछता तो वही रूल लगा करके हम लोग कर देते, लेकिन थोड़ा सा क्या किया ट्विस्ट कर दिया है, और ये सवाल है हम लोग का CHSL 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग कि हम लोग यदि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, जेड बराबर एक्स का एंगल बोल रहा है कि एक्स का एंगल के अनुसार वो है, तो 3/4 देखिए ट्रिपलेट्स हम बोले थे कि याद भी रखेंगे और नहीं भी याद रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ सिंगल एक वैल्यू दिया रहेगा और दूसरा वैल्यू पूछेगा तो हमें ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि उसका ट्रिपलेट्स क्या होगा। तो हमें हमारे पास क्या है 3 है और 5 है, और हम ऑप्शन में देख रहे हैं एक और आ रहा है क्या 4 आ रहा है, तो यानी कि ट्रिपलेट्स हम लोग को पता चल गया 3/4/5 है, क्या है 3/4/5 है। अब कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस, ये तो फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है और बड़ा वैल्यू हमेशा हाइपोटेनियस ही रहता है, तो यहाँ से फिक्स है ये। अब इसमें देखना है कि पी और बी कौन है, यही एक्सचेंज हो सकता है, तो अब पी और बी हम लोग डिसाइड करेंगे इससे, कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, तो कॉस का रेशियो होता है बी बट्टा एच, कॉस के बारे में बोल रहे तो कॉस बेस मानना है तो बेस बी बट्टा एच, यानी कि हमारे पास ये बी का वैल्यू है और ये हमारा एच का वैल्यू है,
तो बी का वैल्यू है यदि 3 है हमारा बी का वैल्यू और एच है हमारा 5 का वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा 4 होगा। जैसे सिंपल यह पूछता हमसे, सिंपल पूछता कि कोसेक एक्स का मान क्या होता, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बता सकते थे, डायरेक्ट क्या बता सकते थे, एच बट्टा पी होगा, मतलब 5/4 होगा। लेकिन हमें ये नहीं ना पूछ करके कोसेक जेड का मान पूछा है, कोसेक जेड का मान पूछा है, यानी थीटा यहाँ ना रख करके थीटा हम लोग यहाँ रखेंगे, इस ट्रायंगल को क्या करेंगे पलट देंगे, और जब इस ट्रायंगल को पलटेंगे हम लोग तो कुछ हम लोग का ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, ऐसे ट्रायंगल दिखेगा, यानी कि ये जो एक्स होगा वो ऊपर चला जाएगा और जेड कहाँ आएगा नीचे आएगा, और जो ये 4 था वो नीचे चला जाएगा और ये 3 था वो ऊपर चला जाएगा और ये कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल हमारा हम लोग का पलट चुका है, अब जेड का पूछा है और हमें क्या पूछा है कोसेक पूछा है, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है पी बट्टा एच, तो कॉस का क्या होगा बी बट्टा एच, कॉस का क्या होगा बी बट्टा एच होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 4/5 होगा, इसका आंसर क्या होगा 4/5 होगा। तो 4/5 हम लोग का कौन सा है, ये ऑप्शन सी है, 4/5 ऑप्शन सी है। यहाँ से ये चीज हम लोग का आ गया, 4/5 हम लोग का क्या हो गया ऑप्शन आ गया, सॉरी P/H/P होगा ना, हाँ सॉरी सॉरी। यहाँ से हम लोग साइन का होता है, साइन का P/H होता है, साइन का क्या होता है P/H होता है, अब कोसेक आ गया है तो H/P होगा, तो H/P होगा तो 5/3 होगा, H/P हम लोग क्या है 3/5, 5/3, 5/3 कौन सा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि साइन का वैल्यू लिखा गया था, यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या कोसेक जेड का पूछ रहा है, तो कोसेक साइन का होता है P/H होता है, तो कोसेक का क्या होता है H/P होगा, यानी कि 5/3 होगा। अब यहाँ से एक चीज और आता है, आगे हम लोग कंसेप्ट में सीखेंगे, अभी तो फिलहाल हम लोग इसी पे काम करेंगे, यदि और ट्रिक हम लोग सीखेंगे तो यहाँ कोसेक कॉस ए बराबर होता है साइन बी, और साइन बी को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक बी, और ये दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा, ये दोनों का मान क्या होगा बराबर होगा। जब ये दोनों का मान बराबर होता है, यहाँ देखिए एंगल अलग अलग है, एंगल अलग अलग है, यहाँ ए है और यहाँ क्या है बी है, तो यहाँ यदि हम लोग का कॉस का मान दिया है 3/5, कॉस का मान दिया है 3/5, तो कोसेक का भी मान क्या होगा 5/3, कोसेक का मान क्या होगा 5/3, क्योंकि ये इनवर्स में है। तो ये ट्रिक है, ये आगे हम लोग यूज करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग इस तरीके से अपनाएंगे, ठीक है। चलिए और भी सवाल लेते हैं हम लोग, पूरा सवाल कराना तो पॉसिबल है नहीं एक वीडियो में, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में पूरा सवाल करें। If cos theta is equal to x square minus y square divided by x square plus y square, then what is the value of
वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, अरे कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन हम लोग के पास 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दूसरा है 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सी ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy, और ऑप्शन नंबर डी है हम लोग के पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, वैसे ही हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं इसको, और ये पूछा गया है 2019 में। ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 का है और पीएल 2 का है, यानी कि मेंस का सवाल है। देखिए मेंस में ऐसा सवाल पूछा गया है, ठीक है, मेंस का सवाल है। क्या पूछा है हमसे कि cos थीटा का वैल्यू दे रखा है और हमसे पूछ रहा है cot थीटा का वैल्यू। तो अभी हम लोग बात किए थे कि मान लीजिए हमें ट्रिपलेट्स याद नहीं है, कोई ट्रिपलेट्स याद नहीं है, और यहाँ ट्रिपलेट्स तो पता ही नहीं है कि हम लोग का ट्रिपलेट्स क्या होगा। यदि हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन यदि हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जैसे हम cos का हमें पता है cos का वैल्यू क्या होता है, b बटा h होता है, यानी ये ऊपर वाला वैल्यू क्या है हम लोग का b है, और नीचे वाला वैल्यू क्या है h है। तो b और h हमें पता है, तो p तो हमारा ऑप्शन में दिखेगा ही, तो p हमारा ऑप्शन में क्या होगा, p ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अलग 2xy दिख रहा है, यानी कि 2xy हम लोग का क्या हो गया, p हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास cos थीटा क्या होता है, b बट्टा h होता है, यानी कि b हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, और h हमारे पास x स्क्वायर और y स्क्वायर है, और हमें ऑप्शन में दे रखा है कि एक अलग कौन है, तो 2xy एक अलग दिख रहा है, वही हमारा क्या होगा, p होगा, वही हमारा क्या होगा, p होगा। अब हमसे पूछ रहा है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, b बट्टा p होता है, तो b बट्टा p होता है, तो b हमारे पास ये है और p हमारे पास ये है, यानी p नीचे है, तो p नीचे दो सवाल में है, तो पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा ऑप्शन कट गया, और b हमारा क्या है, माइनस में है, तो b हमारा माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। देखिए हम लोग इस सवाल को कहीं पैथागोरस नहीं लगाएं, कहीं केवल हम लोग क्या याद रखें कि ट्रिपलेट्स, और वो भी ट्रिपलेट्स हम लोग को पता नहीं था, यहाँ हम लोग ऑप्शन से यहाँ निकाल लिए कि इसका ट्रिपलेट्स क्या होगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड भी बचा लेते हैं तो अगला क्वेश्चन पढ़ने के लिए और बनाने के लिए हो जाएगा, जिससे इसमें टाइम मैनेजमेंट का बात होता है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही ऑप्शन से टिक कर देंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। यदि हमसे tan थीटा पूछता तो p बट्टा b होता, tan थीटा पूछता तो p बट्टा b होता, यानी कि p बट्टा b, तो ये 2xy बट्टा ये पहला ऑप्शन हो जाता। यदि ये tan थीटा पूछता तो, लेकिन cot थीटा पूछा है तो क्या हो जाएगा, b बट्टा b हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। ये मेंस का सवाल था, तो मेंस का सवाल आप लोग समझ सकते हैं कि मेंस में ऐसा सवाल पूछा है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, यानी कि 8/15 दे रखा है, तो हमसे ये पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ हमसे वैल्यू पूछ रहा है 1 sin θ डिवाइडेड बाय 1 sin θ। इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, पहला ऑप्शन है 1/5, दूसरा ऑप्शन है 2/5, थर्ड ऑप्शन है 3/5, और फोर्थ ऑप्शन है हम लोग का 0। ये टीयर वन का है सीजीएल
2016 का टीयर वन का क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखिए, हिंदी में लिखने का जरूरत है नहीं, हमें ये दे रखा है और ये पूछ रहा है, ये चीज बता रहा है, ठीक है। चलिए अब बताइए कि क्या हम लोग का यहाँ ट्रिपलेट्स याद रखने की जरूरत है? हम लोग का ट्रिपलेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स का यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा। जब टेन में क्वेश्चन दिया हो और साइन और कॉस में पूछ रहा हो तो हमें ट्रिपलेट्स का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे, जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, कि जानते हैं पी बट्टा बी होता है, पी बट्टा बी होता है। तो पी बट्टा बी होता है कि आठ बट्टा क्या है, यहाँ पंद्रह है, आठ बट्टा पंद्रह है। और हम लोग यदि इसको देखते हैं तो ये हमारा क्या है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है। क्या है ये, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग आठ ले सकते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग पंद्रह ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग आसानी से साइन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, आठ लेंगे, साइन थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, एट लेंगे, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, पंद्रह लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एच का वैल्यू कटा हुआ है, एच का वैल्यू नहीं कटा हुआ, ये कटा हुआ है। यदि हम लोग यहाँ आठ डालते हैं तो वह एक माइनस आठ क्या आ जाएगा, माइनस सात, जो हमारा गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हमें क्या, एच का वैल्यू यहाँ हमें पता होना चाहिए, एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एच कटा हुआ है। तो एच का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक तो तरीका हम लोग का पाइथागोरस और दूसरा तरीका क्या है, ट्रिपलेट्स। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिपलेट्स निकालेंगे, और ट्रिपलेट्स निकालेंगे तो क्या कैसे कैसे निकलेगा यहाँ से, तो हमारे पास आठ और पंद्रह पता है, तो क्या है ये पी है और ये बी है, तो दोनों को स्क्वायर करके उसका रूट निकालेंगे, यानी कि पंद्रह का स्क्वायर 225 प्लस आठ का स्क्वायर 64 आएगा, और यदि दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 628 और 289, 289 किसका है, तो 17 का है। या फिर आप ट्रिपलेट्स याद रखते हैं 8, 15 और 17 का, 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट्स तुरंत याद रहेगा तो सवाल बन जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से हम लोग यदि डालेंगे वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, पी बट्टा एच होगा, एच हमारा क्या है, 17 है, तो पी बट्टा एच होगा, तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा, 17 बट्टा 1 प्लस 8 बट्टा क्या होगा, 17 होगा। ये हमारे रूट के अंदर है सारा, तो ये क्या होगा, 17 में 8 चला जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 1 में कोई घटाए या 1 में जोड़े, तो ये दोनों का डिफरेंस होता है, ये दोनों का डिफरेंस, मतलब 17 में 8 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 9 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई 17 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो 17 और 8 कितना हो गया, 25 हो गया, 17 8 25 हो गया, ये रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/5, यानी 3/5 हमारा क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया। तो इस तरीके के सवाल में हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हम लोग का क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो यूज करके हम लोग सवाल को किए, और भी हम लोग अगले क्लास में सवाल करेंगे, जो अच्छे अच्छे एकदम सवाल लेंगे जो पूछा हुआ है लेटेस्ट में, जैसे 2022 में, 2020 में, 2019 में। एक चीज़ है कि हम लोग जो नया पैटर्न जो चलेगा, वो नया पैटर्न आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, कि जब भी 2018 से 2018 का, 2019 का, 2020, 2021 का और 2022 का सवाल उठाइएगा, और अभी 2023 का होने वाला है, अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन 2022 तक का आप जब सवाल को उठाते हैं, और ये हमारा नया पैटर्न के अंतर्गत आएगा 5 साल का, तो 5 साल का सवाल यदि आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि आपको आप जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो समय बिता रहे हैं, वो सही टाइम पे यूज़ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि समय का मैनेजमेंट कैसे करें और समय को सही जगह पर कैसे लगाएँ, या फिर हमारा सही अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ने का और क्वेश्चन बनाने का। तो यही चीज़ है कि आप लोग एक बार पढ़िए, एक बार कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका सवाल बनने वाला नहीं है और एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आप कितनों भी पढ़ लीजिए, कितनों अच्छे से पढ़ लीजिए, एक कितनों अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे सवाल नहीं बनेगा, और एग्ज़ाम में यही होगा कि हमें
कंसेप्ट ही भूल गए या फिर कोई कैलकुलेशन में फंस गए, तो वहाँ से कैसे बच के निकलना है इसके लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। चलिए तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और हमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।